सतगुरु दे जगना तो वाडा कोई तीर्थ अस्थान नहीं, बिन सतगुरु दे पशु है बंदा बन सकदा इंसान नहीं, बन सकदा इंसान नहीं। सत्संग जी प्यार से बोलिए जगत करने के बाद सत्संग तो हमारे जीवन में यदि बदलाव आया है तो मुबारक है, अच्छी बात है। स्वभाव में बदलाव आया है, अच्छी बात है। हमारे सत्संग परिवारों में बदलाव आया है, अच्छी बात है। हमारी वाणी में बदलाव आया है, अच्छी बात है। हमारे जीवन में नम्रता आई है तो संगत का असर है। हम किसी को आदर सम्मान देते हैं तो सत्संग जरूर संगत कर रहे हैं। हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते तो संगत का असर है। हम बहन देखों में से बाहर निकल गए हैं तो संगत का असर है। हम किसी भूत प्रेत को नहीं मानते हैं तो संगत का असर है। अपने गुरु पर ज्यादा छोड़कर दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो संगत का असर है। हम एक निरंकार को मानते हैं तो संगत का असर है। हम दूसरे की कभी सत्संगत मन में सोचते भी नहीं है तो संगत है। इसके विपरीत सात संगत यदि संगत करने के बाद हम निंदा करते हैं, हम अपनी वाणी जो है वो शुद्ध नहीं बोलते हैं, दूसरे को आदर सत्कार नहीं देते हैं, संगत करने के बाद भी हमारे जीवन में वही कौरवापन है, वही हम दुश्मनी पाल के बैठे हैं, वही घृणा सात संगत हमारे बीच में है, वही साथ से जो द्वेष से भरे पड़े हैं। इसी को देखकर साथ संगत जलन होती है। फिर कोई जाति पाति के चक्कर में हम अभी भी पड़े हैं, वहम भरम भलेखों में पड़े हैं। कोई साधु संत फकीर आ जाता है और वो कह देता है कि हाथ दिखाओ मैं आपकी तकदीर बदल दूंगा। यदि उसके पास हम चले जाकर अपना हाथ दिखाते हैं तो सत्संगत संगत का असर कहाँ हो। अनेकों ऐसिया सत्संगत जो बुराइयाँ हैं, यदि वो सत्संगत अभी भी हमारे जीवन में है तो सत्संगत उनको दूर करने की जरूरत है। संत महात्मा कहते हैं कि गुरु का ज्ञान अनेकों भ्रमों को जलाकर राख कर देता है। जब सर्वशक्तिमान इस निरंकार परमात्मा के दर्शन की आत्मा कर लेती है तो सात संगत पर इसी का आसरा लेती है, फिर बाकी आश्रय जो है वो तुच्छ पड़ जाते हैं, छोटे लगते हैं। और सत्संग ये जो सतगुरु जीवन में आया है, ये गुरु ने कृपा की है, हमें बख्शा है, नहीं तो संसार में बहुत से सत्संग सज्जन पड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, संसार के उनके पास ऐशो आराम भी हैं, अनेकों ऐसे सत्संगत साधन भी हैं कि सर्दी है तो वहाँ गर्मी भी वो पैदा कर देते हैं, जहाँ गर्मी है वह ठंड भी हो जाती है। लेकिन सत्संगत सतगुरु इन बातों से ऊपर होता है। सतगुरु सत्संगत कभी किसी के गुनाहों की तरफ देखता नहीं है। सतगुरु केवल और केवल बख्शनहार होता है,
हम खुश नसीब हैं, सत्संगत हमें पूर्ण सतगुरु मिला है और पूर्ण सतगुरु ने हमारे ये जो बंधन है ये तोड़ दिए हैं। अब हमने करना क्या है? जो गुरु का हुक्म आए उसको मानना है, यही हमारी भक्ति है, यही हमारी सत्संगत तप है, यही हमारा त्याग है। गुरु यदि कहता है कि सेवा करनी है तो सेवा करनी है। संगत सत्संगत हमारे जीवन में जहाँ हमारे मन को एक ऐसा मोड़ मिल जाता है जहाँ से जीवन ही बदल जाता है, वहीं पर सेवा सत्संगत जो होती है, सेवा से हमारे जीवन में खुशहाली आती है। पीछे भी आप महापुरुषों ने सेवाएं की, हुक्म आया गुरु का है कि लंगर के लिए गेहूं की सेवा आप महापुरुषों ने की, न जाने कैसी परिस्थिति आपके पास उस समय होगी, फिर भी आप महापुरुषों ने वो सेवा की और सतगुरु के साथ संगत उस विशाल एक यज्ञ में अपना योगदान दिया। तो साथ संगत यही जो आदेश गुरु का आ जाता है, जो उसको मान लेता है, तो साथ संगत फिर गुरु किसी का हक नहीं रखता है। अनेकों उदाहरण साथ संगत हमारे सामने है, जिन्होंने भी सेवा की है, तो सत्संगत सेवा का अवसर इनको मिला है और वो सेवा करके जो महात्मा कभी उसका जिक्र भी नहीं करते हैं, कहते तन मन तन तिल्ला तो वटी वो सेवा कहलाती है, जो होवे निष्काम निरचित सतगुरु पांदी है, देश काल के समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है, हुक्म इदात सिर मथे करके गुरसिख चलता जाता है। कई बार सत्संगत ये सुनने को मिलता है कि गुरसिख दास होता है और सत्संग दास की जो महात्माओं ने बताया अवस्था जो होती है वो हमने देखा है महाभारत के अंदर भी। जब वो जुआ खेल रहे थे तो वो हार गए, तो उसका एक वो शर्त थी कि जो भी हार जाएगा वो दूसरे का दास बन जाएगा। दास की कोई अपनी मर्जी नहीं होती है और सतगुरु ने तो हमें दासों का दास बनाया, जो दास है उनका भी दास। तो कितना सत्संगत हमारे मन को जो है झुकाने का प्रयास किया है गुरु ने, कभी भी इनके मुख से ऐसा शब्द ना निकले, कभी भी सत्संगत ये मन की मर्जी ना करे, कभी भी सत्संगत कोई ऐसा कार्य ना करे जो मालक को अच्छा ना लगे। इसलिए संतों महात्माओं ये जो जीवन है ये गुरु को समर्पित जीवन ही सत्संगत सबसे उत्तम जीवन होता है। तो सत्संगत जो गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, वो जहाँ सत्संगत इस लोक को सुखी करते हैं उनका परलोक भी सुहेला हो जाता है। लोग सुखी होने का सत्संगत तात्पर्य ये नहीं है कि उसके पास अधिक धन आ जाना या और कोई वस्तुएं हासिल कर लेना। लोग सुखी उसी को कहा जाता है जिनके हृदय में ये निरंकार बस जाता है, जिनको गुरु पर यकीन आ जाता है, जो गुरु का उठते बैठते सुमिरन करते हैं, जो गुरु पर विश्वास करते हैं, जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। अब सत्संग तो गुरु जो होता है वो शरीर नहीं होता है। यदि गुरु शरीर होता तो शरीर तो साथ संगत है। अनेकों गुरु पीर पैगंबरों के हमने देखा कि निरंकारी मिशन के अंदर ही हम देखे कि हमारे बीच में बुजुर्ग महात्मा भी बैठे हैं, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी, उससे पहले बाबा बूटा सिंह जी,
बाबा तार सिंह जी के शरीर नहीं है, अब जो उनके बाद बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, बाबा हरदेव सिंह जी, सतगुरु माता सुरेंद्र जी, सत्संग वो शरीर करके हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो इस ज्ञान से हमें जोड़ा है, ये ना मरता है, ना सत्संग आता है, ना जाता है।